हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और हमारा जनरल या रोजनामचा चैप्टर है वो चल रहा है और उसको न्यूमेरिकल चल रहे हैं। इसकी जितनी भी थ्योरी है वो आपके लिए मिल चुकी होगी, अगर अभी तक ना देखी हो तो उसे प्लेलिस्ट में जा करके और देख लीजिएगा। और यहाँ से आज हम आपको चौथा न्यूमेरिकल कराएंगे और एनसीईआरटी बुक का एक अपना सिस्टम है, एक पैटर्न है, जिसके बेस पे अगर क्रम से आप इन क्वेश्चंस को करते हुए चले जाओगे तो जीवन में कभी भी जनरल ही नहीं, इसमें जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं उनमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं समझा दूँ कि ये चौथा क्वेश्चन है, लेकिन मात्र दो ही एंट्री हैं, दो ही जनरल एंट्री हैं, और ये वो एंट्री हैं जो थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए भ्रमित करती हैं कि पता नहीं इनमें क्या होगा। अगर एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक होगी तो ये मुश्किल से कहीं पर भी आपके लिए मिलेंगी। तो दोनों जनरल एंट्री के लिए यहाँ पर किस तरह से करेंगे ये समझाते हैं। देखो, ये प्रोफार्मा है किसका, जनरल का, और जनरल के प्रोफार्मा में पहले वाले इस कॉलम में लिखा जाता है क्या दिनांक, दूसरे वाले में लिखा जाता है क्या विवरण, और यहां पर ये छोटा सा होता है खाता पृष्ठ संख्या का कॉलम होता है, ये रकम डेबिट का होता है और ये भी रकम क्रेडिट का होता है। अगर इंग्लिश में आप बनाना चाहोगे तो इस वाले कॉलम में आ जाएगा क्या डेट, इस वाले में आ जाएगा पार्टी कुलर्स, और यहां पर LF आ जाएगा लेजर फोलियो नंबर जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पर भी अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री है। देखिए, ईयर दिया हुआ है 2020, और जो लोग हमारे क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं उनके पास में तो PDF पहले से ही पहुँच चुके होंगे इनके क्वेश्चंस के, मैंने हर ग्रुप में भेज दिया है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ 2020 में अप्रैल 8 को कह रहा प्यारे लाल से बीजक प्राप्त हुआ, इसकी जनरल एंट्री बनानी है। अब ना तो वो कह रहा क्रय किया ना कह रहा विक्रय किया, वो तो सीधे कह रहा है कि आप प्यारे लाल जी से हमने बीजक प्राप्त हुआ। अब आपको मैं बताऊं, इससे पहले अगर आपने बीजक पढ़ा होगा तो ये जनरल एंट्री कर पाओगे, नहीं पढ़ा होगा तो कैसे कर पाओगे। बीजक लिखता कौन है, बीजक लिखता है विक्रेता, किसके लिए लिखता है क्रेता के लिए, यानी बेचने वाला लिखता है खरीदने वाले के लिए। अब यहां पर खरीदने वाले कौन हो गए, हम हो गए, और बेचने वाला कौन हो गया, प्यारे लाल हो गए। तो जाहिर सी बात है कि हम माल खरीद रहे हैं और प्यारे लाल इस माल को बेच रहे हैं। तो यहां पर एक दिखाना होगा कि इसी तरह से डेट डालेंगे 2020 और कौन सा है अप्रैल 8 के लिए। ठीक है, जब हम खरीद रहे हैं तो जनरल एंट्री होगी क्रय खाता क्या ऋणी, ऋणी को DR लिख देते हैं, डेबिट लिख देते हैं, क्रय खाता ऋणी किसका, प्यारे लाल का। यहां पर लिखेंगे प्यारे लाल से बीजक प्राप्त किया, और कितने रुपए का किया, लाइन खींच दो, इतनी लाइन खींची जाती है, 6000 रुपए का है तो डेबिट में भी 6000 और क्रेडिट में भी कितने 6000। इस तरह से अगर कभी भी जीवन में ये आ जाए कि हमें बीजक मिला, इसका मतलब आप समझ रहे हो, बीजक मिलने का मतलब है कि हमने माल खरीदा होगा और उसने वो माल भेजा होगा और साथ में बीजक बना करके तब हमें दिया होगा, तो ये माल खरीदने की एंट्री यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 12 को सीताराम को बीजक भेजा गया 3400 का। भाई अब देखो, ये बेचने की एंट्री होगी यहाँ पर, कौन सा है अप्रैल 12, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 12 किसको, सीताराम को बीजक भेजा गया। जब बीजक भेजा गया का मतलब है कि उनको माल बेचा गया होगा, तभी तो हमने बीजक भेजा है। तो यहाँ पर पाने वाला रेडी होता है, एंट्री करेंगे क्या सीताराम डेविड और विक्रय खाते का, यहां पर लिखेंगे सीताराम को बीजक भेजा, लाइन खींच दो, और कितने रुपए का है 3400 और 3400। तो बीजक वाली एंट्री कभी भी आपको आपके क्लास से लेकर के और कंपटीशन तक कहीं पर मिल जाए तो ये उसी पर्पस से यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप CA करते हो तो वहाँ पर ये बीजक इनवॉइस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 100% मिल जाते हैं। अब इसको अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहोगे तो पहले तो हम टोटल मार्क दिखा दें, ठीक है, फिर ये इंग्लिश में कैसे होगा, एक मिनट नहीं लगेगा, 639400 इसका आंसर होगा और 9400 दोनों ओर का टोटल करके दिखा देते हैं। अगर अंग्रेजी में से करते हैं तो क्रय खाता क्या होता है, परचेज अकाउंट,
एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट टू कौन, प्यारे लाल, प्यारे लाल, बस हो गई बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये एंट्री हो जाती, नरेशन हो जाती बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, सीताराम वाले में सीताराम डेविड हो जाता, सीता राम डेविड टू क्या आ जाता, सेल्स अकाउंट बीइंग, यहां लिख सकते हो इनवॉइस सेंट टू किसे, सीताराम, ठीक है। इस तरह से इन एंट्रीज को आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो। आप हिंदी मीडियम के हो तो जरूरी नहीं है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व हिंदी में ही करो, आप इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हो, और इंग्लिश में सॉल्व करना तो और सरल होता है। जैसे हिंदी से मैंने इंग्लिश यहाँ कन्वर्ट करके दिखा दिया, तो जो बच्चे हिंदी में करना थे उनको आगे देखना ही नहीं था, और जो इंग्लिश करना चाह रहे थे तो वो आराम से अब इसके लिए कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।